तो 23 तक तो जो सवाल किए थे हमने वो तो थे सिंपल सीधे ही। अब आपको फंक्शन 23वें सवाल में 13.1, अब की बार सवाल आपको दिया जाएगा इस टाइप से, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जब x का मान 0 से छोटा या उसके बराबर हो, और दूसरा है 3x प्लस 1 जब x का मान 1 से बड़ा हो। तो लिमिट 0 पर और 1 पे लिमिट का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का जो सवाल आता है इसका मतलब ये है, जो ये संख्या रेखा है हमारी x अक्ष, ठीक है, इस तरफ माइनस की संख्या है और इस तरफ ये जानते हो संख्या रेखा। फलन बोल रहा है कि जब x का मान या तो 0 के बराबर हो या उससे कम हो, यानी कि या तो इस बिंदु x बराबर 0 पर या इससे कम पर फलन का मान है 2x प्लस 3। अगर x का मान आप इस अंतराल से लोगे तो एफ एक्स की जगह ये रखना है, और अगर आप x का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा नहीं 0 से बड़ा होगा, x का मान 0 से बड़ा मतलब यहाँ से लेके और आगे तक कोई सा भी मान ले लो, तो हमारे लिए फलन होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब आपको लिमिट बतानी है कि x बराबर 1 पर और x बराबर 0 पर क्या लिमिट होगी। तो लिमिट ज्ञात करने का एक तरीका तो जो पहले पढ़ा था वो है, दूसरा ये है कि हम धीरे धीरे करके, अब जैसे x बराबर 1 है ये बिंदु, इस पर हमें लिमिट देखनी है, तो हम क्या करेंगे इस तरफ से चलना स्टार्ट करेंगे और x बराबर 1 पे पहुँचेंगे, और फिर हम देखेंगे कि फलन एफ एक्स का मान कहाँ जा रहा है। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको। लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं उधर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। एक पे आने का दूसरा तरीका ये भी है, इधर से हम घटते आएँ 1.5, 1.4, 1.3, इन पे फलन का मान देखते देखते हम इस बिंदु पे पहुँचे x बराबर 1 पर, फिर फलन का मान चेक करें, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और इस बिंदु पे तो ये तीनों मान बराबर आने चाहिए, तब सीमा का अस्तित्व होता है। बाकी जो सवाल थे उनमें तो लिमिट का अस्तित्व था, सीमा का, अपने को सिर्फ लिमिट पूछी थी। यहाँ पे अब इस पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें ये पता है कि इस बिंदु पर भी फलन का मान यही रहेगा 3x प्लस 1, इस तरफ इधर बिंदु है एक के उस पे भी फलन यही है, फलन नहीं बदल रहा। तो जब तक फलन नहीं बदलेगा लिमिट वही रहेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दिक्कत ये है सवाल में, इसने पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, यानी x का मान 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर एफ एक्स का मान क्या किस तरफ बढ़ेगा वो बताओ। और दूसरा इसमें पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, अगर x का मान 1 की तरफ बढ़ रहा है तो फलन का मान बताओ। तो 1 पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 1 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फलन वही है, ऊपर फलन नहीं बदल रहा तो इसका मान नहीं बदलेगा। दिक्कत आएगी 0 पे, क्योंकि 0 के जब इस तरफ से हम जाएंगे तो हमारे लिए फलन क्या होगा 2x प्लस 3, और जब उस तरफ से 0 पे आएंगे इधर से तब हमारे लिए फलन बदल जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा। तो फलन अलग अलग हो गए, तो अब हमारे लिए लिमिट का मान देखना पड़ेगा कि दोनों लिमिट का मान बराबर आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, जो कि 12th में पूरी प्रश्नावली है इसकी। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका सूत्र होता है, इसको वैसे शॉर्ट में लिखते हैं लिमिट, और लिमिट भी नहीं लिख के इसको, जैसे जिस बिंदु पे अपने को देखना है, मान लो ए पे देखना है तो ए प्लस ए माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसके लिए ये चिन्ह काम में लेते हैं एफ ए माइनस 0। फिर इसका सूत्र हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। क्या कहना चाह रहे हो सर, नहीं समझ आया? एफ एक्स का मतलब, एफ एक्स तो समझते हो क्या है, कोई फलन दे रखा है, और फलन का हमेशा एक ग्राफ बनेगा कोई भी फलन हो तो इसका, और ग्राफ भी कैसे बनेगा सर ये पूछोगे अगर, तो ग्राफ बताएंगे। अगर ये आप ये फलन ले रहे हो एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, एक्स की जगह एक रख लो, एक रखोगे तो इसका मान कितना आ रहा है
5, तो y बराबर 5, फिर x बराबर 2 रखोगे, y बराबर 7, ऐसे करते करते तो इसका एक ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ हर फलन का बनता है, तो एफ एक्स कोई भी आपको फलन दे रखा है मान लो, वो इस प्रकार से है, उसका कोई ग्राफ बनेगा। हमें x बराबर a पर इसकी लिमिट देखनी है, इस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो इसकी तरफ लेफ्ट साइड से जाके देखेंगे और दूसरा राइट साइड से आएंगे। दोनों तरफ से आए तो लिमिट का मान सेम होना चाहिए, अगर अलग अलग हुआ तो इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस तरफ से जब इधर जाएंगे हम, मान लो इस बिंदु पे यहाँ पे हैं, ये दूरी बहुत छोटी है पॉइंटों में, जिसको हम h से लिखेंगे, स्मॉल h। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे x माइनस h, है ना, इस तरफ है तो माइनस होता है। उधर जाएंगे तो वैसे ही स्मॉल h दूरी ले लेंगे, बहुत छोटी दूरी है, x प्लस h। यानी हमने क्या किया है, जिस बिंदु पे लिमिट ज्ञात करनी थी उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और थोड़ा सा राइट साइड में भी हम मान देख रहे हैं, उस पर भी मान वही होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो खैर दिखाने के लिए बड़ा है, बिल्कुल इसके नज़दीक यहाँ इस पॉइंट पे देखते हैं। तो इस पॉइंट पे जब देखेंगे तो लगभग मान एक जैसे होने चाहिए दोनों के, टूटे फूटे अगर होंगे, जैसे कई बार वक्र ऐसे होता है, यहाँ तक तो ऐसे और आगे ऐसे हो। अब इस बिंदु पे आप देख रहे हो इसके पास इसका मान तो इसके जैसा है, परंतु जब राइट हैंड साइड में देखोगे तो इसका मान यहाँ नहीं हो कि यहाँ अलग अलग आ गए, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट उस बिंदु पे नहीं करती है। ये 12th में पूरा समझेंगे, अभी सिर्फ आप सूत्र समझो और करना कैसे है वो देख लो। तो इसके लिए x बराबर a पर लिमिट देखने का सूत्र है, पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी इस बिंदु पे लेफ्ट हैंड साइड में जो बिंदु है इस पे लिमिट का मान क्या आ रहा है, a माइनस h, और अगर है ना ये a था तो a माइनस h लिखेंगे इसको, ये a प्लस h। तो a माइनस h पे लिमिट का मान, जहाँ h बहुत छोटी संख्या है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, h का मान जीरो की तरफ जा रहा है, 0.1, 0.01, 0.001 ऐसे। तो जैसे जैसे h का मान जीरो पे जाएगा, यहाँ जीरो रखोगे तो ये एफ ए जिस बिंदु पे लिमिट ज्ञात करनी है वो आ जाएगा। तो अभी आप सिर्फ सूत्र याद रखो, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट का मान जो आएगा उसको लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है a प्लस जीरो, मतलब धनात्मक दिशा से a पे आ रहे हैं हम, और इसका सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस h। और फलन का मान, तो a पर फलन का मान क्या है वो देख लेंगे, और ये तीनों बराबर होने चाहिए, अगर सीमा का अस्तित्व है तो, सीमा का अस्तित्व होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए, यानी उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर होंगे तो सीमा का अस्तित्व होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस जीरो, या ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच और एफ ए, है ना, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का ये मान रख दिया मैंने, राइट हैंड लिमिट का ये वाला, तीनों बराबर होने चाहिए, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। अब ये वाला अगर लिखें इसकी जगह तो एफ ए माइनस जीरो, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए प्लस जीरो यानी राइट हैंड लिमिट, और एफ ए यानी फलन का मान, तीनों जिस बिंदु पे बराबर होंगे वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अब इस सवाल में देखते हैं, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। हमें x बराबर 0 और 1 पर लिमिट का मान पूछा है, सवाल में हमसे पूछा है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का मान बताओ, और लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, यानी 0 पर और 1 पर लिमिट का मान बताना है।
तो सबसे पहले जीरो पे देखते हैं, तो x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका सूत्र इसको लिखते हैं हम, वैसे तो क्या लिखते हैं, a माइनस जीरो लिखते हैं, परंतु a का मान यहाँ जीरो है तो इसको लिखेंगे जीरो माइनस जीरो। एक्स बराबर a पर लिमिट ज्ञात करनी हो तो f a माइनस जीरो लिखते हैं, a का मान हमें जीरो दे रखा है, तो f जीरो माइनस जीरो बराबर सूत्र क्या है इसका, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये बाद वाला जीरो है, इसकी जगह हम h लिखते हैं जीरो माइनस h, और हमने यहाँ लिख दिया कि h का मान जीरो की तरफ बढ़ रहा है, मतलब लास्ट में हम h की जगह वापस जीरो रखेंगे। अब तो f जीरो माइनस h का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स बराबर ये दो फलन दे रखे हैं हमें, और कौन सा फलन काम में लोगे वो x पे निर्भर करता है, x का मान क्या है, अगर ये जीरो या उससे छोटा है तो ये फलन होगा, और अगर x जो अंदर दे रखा है वो जीरो से बड़ा है तो फिर ये फलन काम में लोगे। यहाँ पे जो x की जगह हमारे पास क्या है, माइनस h, और माइनस h कौन से में आएगा इन दोनों में से, ऊपर वाले में आएगा, यानी x जो हम यहाँ रख रहे हैं वो ऋणात्मक संख्या रख रहे हैं, जब भी ऋणात्मक रखोगे तो पहला फलन होगा, तो ये फलन काम में लोगे आप 2x प्लस 3। अब x क्या है फलन, ये ऊपर वाला काम ले रहे हो, मतलब एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, ये फलन काम में ले रहे हैं हम, x की जगह यहाँ हमारे पास क्या है माइनस एच है, तो यहाँ x की जगह भी क्या आएगा माइनस एच। फलन से फलन बनाना जानते हो, जैसे अगर मैं यहाँ अगर 2 लिखूँगा तो यहाँ अगर 2 है तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 आएगा, जानते हो, तो यहाँ पे क्या लिखते हो इसको 2 इंटू 2 प्लस 3 ऐसे लिखते हो। अगर मैं यहाँ माइनस एच रखूँ तो यहाँ पे भी माइनस एच रखोगे, और यही मान चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा, f माइनस एच का मान ये फलन काम में लिया 2 माइनस एच प्लस 3, यानी ये हो गया, लिमिट भी लगानी है इसके साथ में, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट तो अपनी जगह है और इसका मान वो हो गया, सरल करें तो लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस 2h प्लस 3। अब इसमें मान रख दो h का सीधा जीरो, तो कितना आएगा 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लेफ्ट साइड से जब हम फलन पे जा रहे हैं तो उसका मान आ रहा है 3। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, x बराबर जीरो पर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला ये लिख देता हूँ, f a प्लस h होता है, a प्लस जीरो होता है, यहाँ जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f a जीरो प्लस h। यानी अब की बार हमारे पास यहाँ x की जगह क्या है, इस x की जगह क्या है हमारे पास प्लस h, यानी ये जीरो से बड़ा है कि छोटा, बड़ा। तो कौन सा फलन काम में लोगे, सेकंड वाला लोगे, जीरो से बड़ा अगर हो यहाँ तो फिर ये फलन काम में लेते हैं। तो अब की बार हमारे पास जो फलन है एफ एक्स बराबर हो गया 3x प्लस 1, यहाँ इसकी जगह जब रखोगे आप लिमिट h टेंस टू जीरो, और इसकी जगह आ जाएगा 3x की जगह h प्लस 1। अब h की जगह जीरो रख दो तो इसका आंसर कितना आएगा 3। लिमिट रख दी हमने h बराबर जीरो, तो इसका मान भी 3 आ गया, और फलन का मान और देख लेते हैं, तो फलन का मान इसमें जीरो पे, तो जीरो पे फलन का मान सीधा x की जगह जीरो रख दो, जीरो रखोगे तो भी ऊपर वाला फलन आएगा, तो इसमें भी 2 इंटू जीरो प्लस 3 बराबर 3। तो x बराबर जीरो के लिए आप कहोगे इसमें x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर जीरो पर फलन का मान,
तीनों बराबर है, अतः सीमा तीनों बराबर आए ना, इसमें बराबर आए हैं क्या? अतः सीमा का अस्तित्व है या होगा, और सीमा लिमिट क्या आएगी? तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स बराबर, तीनों बराबर है तो जो बराबर मान आ रहा है वो उसका लिमिट का मान होगा। तो ये तो हो गया पहला, x बराबर ज़ीरो पर सीमा का अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे x बराबर एक पर, दूसरा सवाल है x बराबर एक पर सीमा का अस्तित्व है या नहीं है, ये पूछ रखा है। तो इसी में करवा दूं मैं नेक्स्ट, ये उतारना है, उतारना, फोटो भेज दूं मैं इसकी अभी। अब x बराबर एक पर सेम प्रोसेस करेंगे हम, इसी क्वेश्चन को मैं x बराबर एक के लिए डायरेक्ट बता ही देता हूँ। x बराबर एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? a माइनस ज़ीरो लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड के लिए, तो यहाँ वन माइनस ज़ीरो, तो यहाँ पे बाकी वही है, a की जगह जो ज़ीरो था पहले वो वन हो गया, और यहाँ से आगे चेंज हो जाएगा ऐसे ही, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये तो हमारा सूत्र था, वन की जगह एक्स जीरो था पहले ज़ीरो के लिए था, तो यहाँ ज़ीरो था, अब की बार वन के लिए कर रहे हो तो वन आ गया ए की जगह। अब देखना है इसका मान यहाँ कौन सा है, वन माइनस एच, एक्स का मान है वन माइनस एच, ये एक से छोटा होगा कि बड़ा? एक से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि h जो लेते हैं वो बहुत छोटा मान होता है, मतलब एक पॉइंट एक से भी छोटा होता है ये मान लो, तो h बहुत छोटी संख्या है, 0.001 इतनी छोटी, तो एक में से घटाओगे तो भी ये क्या बचेगा, 0.98 इतना बच जाएगा, यानी एक धनात्मक संख्या ही बचेगी जीरो से बड़ा। अगर ये जीरो से बड़ा है तो कौन सा फलन काम में लेंगे? सेकंड वाला, तो ये समझना आपको। तो यहाँ पे फलन हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f वन माइनस h के लिए ये फलन लोगे आप 3, और x की जगह पूरा का पूरा ये लिखोगे, तो x की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस h और आगे प्लस 1 पहले से है। जीरो क्यों लगाते हैं? अपने ये लगाते हैं, इसीलिए जो वक्र में मैंने बताया था ना, ऐसे कोई वक्र है, हमें लिमिट तो ज्ञात करनी है इस बिंदु पर x बराबर a पर, इससे थोड़ा सा लेफ्ट आएंगे अपने, ये बिंदु क्या है x बराबर a माइनस एच, और इधर थोड़ा सा ये है a प्लस एच। अब हम h को जीरो की तरफ बढ़ा रहे हैं, h को जीरो की तरफ बढ़ाने का मतलब, जैसे मान लो a में से पहले घट रहा था 0.1, अब हम घटा रहे हैं a में से 0.001, मतलब ये a किस तरफ बढ़ रहा है, उधर जा रहा है ना धीरे धीरे, जैसे जैसे h को छोटा करोगे वैसे वैसे ये इधर खिसकता जाएगा, और लास्ट में जब h को जीरो कर दोगे तो ये a पे चला जाएगा। ऐसे ही उधर कर रहे हैं, h का मान जीरो कर रहे हैं, तो h का मान जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो a प्लस एच है ये a की तरफ आएगा, यानी हम राइट साइड से तो इस तरफ आ रहे हैं और लेफ्ट साइड से उधर जा रहे हैं, हमें जाना इस बिंदु पे। यहाँ पे देखना है कि फलन का मान तीनों बराबर आ रहे हैं क्या, उधर से आए तो भी वही आना चाहिए, इधर से जाए तो भी, और इस बिंदु पे भी तीनों मान बराबर होंगे तो सीमा का अस्तित्व होता है। तो इसलिए h का मान जीरो तो इसलिए ले रहे हैं कि h तो अपनी मर्जी से हमने लिया है, बहुत छोटी संख्या, तो उसका मान जीरो होगा तभी तो ये एक पे जाएगा पूरा फलन, वो ले रहे हैं। ये तो चाहे कुछ भी कोई सी भी लिमिट पूछे, x बराबर 100 की लिमिट पूछे, चाहे h का मान तो जीरो की तरफ ही बढ़ेगा,
ये h की लिमिट है, x की नहीं है। हमसे सवाल में x की लिमिट पूछी है, तो उसकी लिमिट का ही ये तरीका है। x तो जो यहाँ पे है ना बिंदु, उसकी लिमिट पूछी जा रही है एक की। 100 की पूछते थे, यहाँ 100 लिखते। इसकी लिमिट ज्ञात करने के लिए ये h तो अपनी तरफ से हमने इसमें बहुत छोटी संख्या ऐड की है, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं या राइट साइड से आए उसके लिए ये, तो ये तो जीरो रहेगा हमेशा ही। हमें जो लिमिट उस पर करनी है, पहले तो हम देख रहे हैं कि लिमिट है कि नहीं, अस्तित्व है कि नहीं, तो उसके लिए ये काम। तो क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस जीरो, ए का मान यहाँ पे 1 था क्योंकि 1 पे लिमिट ज्ञात करनी है अपने को, और ये इसका सूत्र हो गया लिमिट, यहाँ जो जीरो लिखते हैं उसकी जगह h लिख दो और लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये सूत्र होता है। अब इसका हमने देखा कि ये जो एफ एक्स है इसका मान यहाँ से लिखना है, तो जो अंदर जो संख्या है ना ये x की जगह, ये एक से तो छोटी है पर जीरो से बड़ी है, और ये अगर जीरो से बड़ी है तो जीरो से बड़े के लिए ये फलन होता है, तो फलन हमारा ये हो गया, ये एफ एक्स बराबर 3x प्लस 1। अब यहाँ जो ब्रैकेट में होता है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये हमने किया 1 माइनस एच है यहाँ, तो यहाँ पे भी 1 माइनस एच आ जाएगा, तो 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1 अपनी जगह। अब जब अंदर गुणा करोगे इसका या लिमिट का मान रख, चलो पहले गुणा कर देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 से इसका गुणा करोगे 6 माइनस 3h, तो h का मान 0 रख दो तो इसका मान आ गया 6 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड का देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में भी फॉर्मूला हमारा 1 प्लस 0 होता है, या 1 माइनस 0 या प्लस 1 प्लस 0 और यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h का मतलब वही। अब फलन देखना है कौन सा काम में लोगे, तो अंदर वाली संख्या एक से बड़ी है, एक से बड़ी है तो दूसरा फलन हो जाएगा इसके लिए, तो ये 3 ये वाला x प्लस 1 x की जगह यहाँ जो है क्या है 1 प्लस एच प्लस 1, समझ आ रहा है नहीं आ रहा हो तो बताना। तो इसमें जब आप लिमिट रखोगे तो ये कितना हो जाएगा अंदर 2 प्लस एच है, इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3h, और लिमिट का मान रखोगे तो 6, h का मान 0 रख दो तो 6 आ जाएगा। अब इस बिंदु पे डायरेक्ट मान रख के देखेंगे, तो जब हम इसमें डायरेक्ट मान रखोगे अब फलन का मान एक पर, तो एक पे फलन का मान यही फलन है हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स एक्स की जगह एक है तो ये भी आ गया 6, तो तीनों ही बराबर है हमारे लिए, कोई और दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, फोन वगैरह कुछ है ही नहीं। तो आंसर क्या दिया है आपका है? तीन और 6 ना, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते थे पर आगे जो सवाल आएंगे ना उसमें ये मेथड लगाना पड़ेगा अपने को। तो लास्ट में आप लिख दोगे वही लाइन जो वहाँ लिखी थी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर एक पर फलन का मान, तीनों बराबर है अतः x बराबर एक पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, सीमा का अस्तित्व है, और लिमिट क्या हो जाएगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर 6। जहाँ पे भी तीनों में से कोई एक बराबर नहीं आया तो आप कहोगे सीमा का अस्तित्व नहीं है, समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन जो है ना सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, अगला 24वां लिख देता हूँ मैं, ये रहने दो क्या, नकल करो तो नकल की जरूरत पड़ेगी आपको।
चौबीसवा है लिमिट x टेंस टू वन एफ एक्स, इसका मान ज्ञात करना है, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वन एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन। एक पे लिमिट का मान ज्ञात करना आपको। तो 24वां सवाल है 13.1, फलन आपको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वन एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, और हमें लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है x बराबर एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट या बाई सीमा हिंदी में बाई सीमा, लेफ्ट बाया ही होता है ना, क्या होता है बताओ हिंदी में लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बाया या दाया? कंफर्म कर लेना, मेरे भी एक कन्फ्यूजन रहता है। तो x बराबर एक पर या तो बाई सीमा या इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, बाई बोलते हैं तो बाई सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट इंग्लिश में ये बोल देंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं बाई सीमा। तो बाई सीमा इसका सूत्र क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट या लिमिट भी नहीं एफ वन माइनस जीरो, और इसका सूत्र होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच। लिमिट x टेंस टू जीरो, स्कूल में तो पास वाली क्लास वाले शोर मचाते हैं, अब यहाँ पे पास में क्लास नहीं है तो पक्षी भी शोर मचा रहे हैं। अब इसके लिए यहाँ पे हमें वन माइनस एच एक से कम मान है, तो एक से कम के लिए ऊपर वाला फलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी वन माइनस एच स्क्वायर माइनस वन। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, इसका स्क्वायर करोगे आप तो वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस वन, एक से एक कट जाएगा, और इसमें जब लिमिट का मान आप एच बराबर जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो आ जाएगा। उसके बाद में एक्स बराबर एक पर दाई सीमा यानी राइट हैंड लिमिट एफ वन माइनस वन प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, इसका मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच। एच का मान एक्स का जो मान है वो एक से ज़्यादा है, ये एक से ज़्यादा के लिए ये नीचे वाला फलन है, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स है वन प्लस एच, माइनस का वन प्लस एच स्क्वायर माइनस वन। अब इसमें जब लिमिट रखोगे आप लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन माइनस एच स्क्वायर, है ना, माइनस तो बाहर है, अंदर स्क्वायर करोगे तो वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच माइनस वन। अब अंदर सारे माइनस के हो जाएंगे माइनस चिन्ह की वजह से, तो इस तरफ जब लिखे हैं हम तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस टू प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच माइनस, सारे माइनस के हो जाएंगे, ये आ गया माइनस वन और माइनस वन माइनस का टू
माइनस एच स्क्वायर माइनस टू एच। एच का मान जब जीरो रखोगे इसमें तो कितना आएगा, इसका मान माइनस टू और इसका मान कितना आया था जीरो। तो अब आप बोल सकते हो डायरेक्ट ही इससे आगे करने की अपने को जरूरत ही नहीं है फलन का मान देखने की, आप सीधा से कह सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, बराबर नहीं है दोनों। अतः x बराबर एक पर सीमा का अस्तित्व है। सीमा का अस्तित्व नहीं है, है ना। इसके लिए आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो ये सिंबल काम में लिया जाता है, इसको बोलते हैं अस्तित्व होना, एग्जिस्ट। बड़ी क्लासों में पढ़ोगे और अस्तित्व नहीं होता तो इसको ऐसे काट दिया जाता है। तो इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय सिर्फ एक सिंबल से काम चलता है। क्या वो अपने बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गया x बराबर एक पे इसकी सीमा का अस्तित्व है, नहीं है, समझ आ गया होगा। इसके बाद में 25वां और 26वां दोनों एक जैसे सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो एक मिनट के लिए मैं चलो बोर्ड पे लिखा देता हूँ, आप करके देखो इसको। क्वेश्चन 25 13.1 लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स का मान याद करना है, जहाँ एफ एक्स बराबर मोड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये दिया है तो आपको एक्स बराबर जीरो पर लिमिट याद करनी है। इस क्वेश्चन में कुछ हुआ तुम्हारा, नहीं है समझ में। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया है वार्षिक में पिछली बार भी और इस बार भी आने के चांस है, या तो ये या इससे अगला जो है 26वां दोनों एक जैसे ही है। उसमें x अपॉन मोड x दे रखा है, उल्टा है बस इससे। सबसे पहले क्या करना है, x बराबर जीरो पर इसकी लिमिट का मान ज्ञात करना है। x बराबर जीरो पर पहले बाई सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका सूत्र हमारे पास, इसको कैसे लिखते हैं हम, एफ जीरो माइनस जीरो। इसका सूत्र होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। यहाँ तक तो सूत्र हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा फलन है इसके लिए। अगर ये जीरो होता तो ये जीरो मान आता, जीरो के अलावा कोई भी संख्या हो तो फलन ये रहेगा ऊपर वाला। तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो ऊपर मोड x अपॉन x, यानी इसका मोड लग जाएगा ऊपर तो, और नीचे सीधा ही। समझ आया, ये जो यहाँ संख्या थी यानी x है, ऊपर तो इस पर मोड लगता है नीचे सीधा, तो हमने ये ऊपर तो इस पर मोड लगा दिया, नीचे इसको सीधा ही लिख दिया। या जीरो हटा सकते थे आप, जीरो हटाओगे तो माइनस ऐसे हो जाएगा, और नीचे मैंने ब्रैकेट ऐसे ही लगाया, आप ब्रैकेट नहीं लगाओ तो ऐसे लिख दोगे माइनस मोड एच अपॉन एच माइनस का। अब मोड क्या होता है, मोड से क्या समझते हो, मोड माइनस थ्री का मान क्या आता है, तो मोड माइनस एच का क्या आएगा, अब क्या करोगे, एच से एच कट सकता है क्या कि नहीं कटेगा, तीन बटे माइनस तीन, तीन से तीन कटता है तो कितना आएगा, ये कटेगा और हमारा आंसर आ जाएगा माइनस वन। उसमें लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं है, या ऐसे लिख लो इसको लिमिट
एच टेंस टू जीरो, माइनस वन, एच से एच कट गया, तो और इसमें जब लिमिट रखोगे तो माइनस वन ही रहेगा। तूने जीरो कैसे कर दिया पता नहीं, तो रखा क्यों, पहले अपने वही जीरो बटे जीरो रूप नहीं आ रहा, ये ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो हमने इससे पहले वाले सवालों में यही देखा था, जब जीरो बटे जीरो आ जाए तो क्या करना है, गुणनखंड करके पहले तो काटो ऊपर नीचे फिर रखो, तो पहले एच से एच काटना पड़ेगा। अब इसके बाद में ये तो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी प्रकार एक्स बराबर जीरो पर दाई सीमा या राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा एफ जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। ठीक है, यहाँ तक तो माइनस था उसकी जगह प्लस आ जाएगा। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच वही फलन रहेगा हमारे लिए, अब की बार हम क्या लिखेंगे मोड एच अपॉन एच, जीरो प्लस एच मतलब एच है तो ऊपर तो मोड लगा दिया नीचे एच है, मोड एच का मतलब धनात्मक है एच तो धनात्मक हो तो मोड हट जाएगा सीधा सा, ये बचेगा एच से एच कट जाएगा, वन आ गया, और इसमें जब आप लिमिट वन रखोगे तो यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे प्लस वन, तो फिर आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या साइड नहीं लिख के लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर नहीं है, फिर नीचे वो लाइन लिख दोगे, अतः एक्स बराबर जीरो पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, है ना, सीमा का अस्तित्व नहीं है, या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।